आज की यह हमारी 39 नंबर की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सवाल नंबर एक, कॉस्मोस क्या है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यह एक ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी है यह एक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी है यह एक धूमकेतु है और लास्ट ऑप्शन है यह एक पुक्षल तारा है। तो इस सवाल के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोस जो है यह एक उपग्रह है और यह एक जासूसी उपग्रह के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर दो, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक में। तो इस सवाल के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर तीन, राजस्थान नहर से किस नहर को जाना जाता है यह आपको बताते हैं। तो इस सवाल के लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गांधी नहर, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा नहर, ऑप्शन नंबर सी है राज नहर और लास्ट ऑप्शन है नर्मदा नहर। आपको बताना है राजस्थान नहर के रूप में किस नहर को जाना जाता है। इसके लिए समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान नहर के रूप में इंदिरा नहर को जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर चार, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जापान की, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी की, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन की और लास्ट ऑप्शन है चीन की। तो इस सवाल के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सांड की लड़ाई जो है यह स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर पांच, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सलीम ने, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी है अकबर ने और लास्ट ऑप्शन है फिरोज खान ने। तो इस सवाल के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई थी। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर छह, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता का नाम आपको बताना है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है आंसर जो है अनेक्सिम मंदर जो है यह यूनान के थे, इनके द्वारा विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। तो सर्वप्रथम निर्माणकर्ता का नाम क्या हो जाएगा, अनेक्सिम मंदर जो कहां के थे, यूनान के। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर सात, भारतीय सिनेमा स्कोप की पहली फिल्म का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फूल और कांटे, ऑप्शन नंबर बी है कागज की फूल, ऑप्शन नंबर सी है जफरनामा और लास्ट ऑप्शन है अंधेरी रात। तो बताना है भारतीय सिनेमा स्कोप की पहली फिल्म का नाम क्या होगा। इस सवाल के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सिनेमा स्कोप की पहली फिल्म का नाम क्या था, कागज की फूल। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आठ, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है युग पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है मंदाकिनी, लास्ट ऑप्शन है वीरगाथा। तो इस सवाल के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका नाम क्या है, यंग इंडिया। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां पर स्थित है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है सूरत में और लास्ट ऑप्शन है बेंगलोर में। तो इस सवाल के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों।
इस सवाल का सही जवाब है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की ओर, सवाल नंबर 10। गोवा की स्वीकृति राजभाषा का नाम क्या है? इस जगह का सही जवाब जानने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है गोवा की स्वीकृति राजभाषा का नाम है कोंकणी। यह हमारा आज का अंतिम सवाल था, आज के हमारे 10 सवाल एंड होते हैं दोस्तों। आपको कितने सवालों के जवाब पता थे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, क्या रहा आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक व शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं दोस्तों। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद।